भाई साहब सुपर बढ़िया हैदराबादी मटन दम बिरयानी। ये मन्नी पाजी हमारे मटन खाते हुए, ये वो सभी लोग देख ले जो बोलते हैं कि मन्नी मटन नहीं खाता। भाई साहब ये कैमरे के पीछे कुछ भी खा सकता है, नहीं, देख लो। वैसे तो नहीं खाता है, अब खा लूंगा। पर चीज़ बढ़िया है कि पानी का पीस नहीं डाला, पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, और तेरे सामने एकदम फ्लेवरफुल बनी है, मज़ेदार। अब इसको मिक्स करते हैं बढ़िया तरीके से। आज बन रही है मनमीत के लिए मटन बिरयानी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, आज इसको मटन खिला के रहेंगे। धनिया, बढ़िया सा अ हैंडफुल ऑफ धनिया, कोई पानी का पीस नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। तो भाई साहब तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि आज बन रही है मनमीत के लिए मटन बिरयानी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, आज इसको मटन खिला के रहेंगे। और सब बेस्ट पार्ट ये है, बिरयानी के अंदर क्या चाहिए होता है, बिरयानी के अंदर चाहिए होता है फ्राइड अनियन। उसके लिए भाई तलो वलो इतना सारी चीज़ें, प्याज काटो, थोड़ा रोलो, वो सब चीज़ें झंझट ख़त्म कर दिए किंग्स ने, क्योंकि किंग्स का हम यूज़ करने वाले हैं स्मार्ट बेरिस्ता, जो कि बिरयानी के लिए एकदम परफेक्ट है। अब करते हैं शुरुआत मटन को पहले मैरिनेट करने की, और फिर दिखाएंगे आपको टेस्ट करके कि टेस्ट कैसा है। आज मन्नी करेगा सबसे पहले मटन बिरयानी का टेस्ट। तो पहले करते हैं भाई स्टार्ट इसकी फर्स्ट मैरिनेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो भाई, ये रहा हमारा 1 किलो मटन। अब ये 1 किलो मटन जाएगा पूरा डेग के अंदर। अच्छा, इसका मैरिनेशन कौन सा होता है ना, ये इसके अंदर ही होता है। और ये देख रहे हो पिंक कलर का है ये हमारा जो मटन है, इसका मतलब है कि जो मटन है वो काफ़ी सॉफ्ट है और एकदम फ्रेश है। तो ये 1 किलो हमने गोश्त लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे मैरिनेशन के मसाले सारे। तो सबसे पहले हमारा जाएगा इसके अंदर दही, और ये 400 ग्राम दही है हमारा, 400 ग्राम दही। तो ये सबसे पहले मैंने डाला है भाई कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि कलर के लिए बहुत अच्छी होती है, इसका स्पाइसी थोड़ा कम होता है, ठीक है। फिर हम डालेंगे इसके अंदर भाई ये जीरा पाउडर थोड़ा सा, हमारा बिरयानी मसाला। ये बिरयानी मसाले के अंदर ना खड़े मसाले कूट रखे हैं बढ़िया तरीके से। थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर धनिया पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। आप देखोगे ना स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये रहा हमारा जी गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया। नमक स्वाद अनुसार डालना, अभी कम डालना, मतलब ऐसे डालते तो इसी टाइम पे ही है, तो आप अंदाज़ा डालते ना नमक, ये डाल दीजिए नमक। और लाल मिर्ची जो सी स्पाइसी होती है, जो हम घर पे यूज़ करते हैं, जैसा आपको स्पाइसेस पसंद है वैसे, ठीक है। अब हम डालेंगे जी इसके अंदर धनिया, बढ़िया सा अ हैंडफुल ऑफ धनिया, पुदीना, जो कि बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है पुदीना। और अब बारी आई है भाई किंग्स के स्मार्ट बरिस्ता की, और ये इसके अंदर मैरिनेशन में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये कैरामलाइज जो अनियन है, जब ये टेस्ट छोड़ेगी ना इसके अंदर, मतलब बस मज़ा आने वाला है। तो पहले हम इसको डालते हैं उसमें। ये मैंने सिर्फ खोला है ढक्कन अभी, और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसके अंदर। अब ये देखिएगा ना, मैंने ये देख एकदम बढ़िया, सुपर क्रिस्पी, मतलब काम मेरा ना पूरा आसान कर दिया भाई। मतलब तू बोलेगा ना यार बिरयानी खाने का मन कर रहा है, तो मैं उसी टाइम बना के दे सकता हूँ, उसी टाइम बना के दे दूँगा, उसी टाइम बना के बिरयानी। अगर ये डाला जी हमने हैंडफुल ऑफ कैरामलाइज अनियन का स्मार्ट बरिस्ता फ्रॉम किंग्स, और आप भी ये खरीद सकते हो। आपको जो लिंक है मैंने इनकी वेबसाइट का, वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ, और अमेज़ॉन पे भी है, वो भी लिंक डाल रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो, कहीं पर भी डिलीवरी हो जाएगा। अब इसको करेंगे भाई मिक्स, और मिक्सिंग जो है वो हम अपना वुडन स्पून से करेंगे बढ़िया से। एकदम मज़ेदार चीज़ है भाई, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे चिकन कौरमा होता है, मटन कौरमा होता है, इन सब चीज़ों के लिए ना कैरामलाइज अनियन चाहिए होता है, बरिस्ता चाहिए होता है। तो वो सबसे ज़्यादा टाइम मेरे को उसी में लगता था, कि उसमें क्या होता था कि पहले प्याज तलो, प्याज को निकाल के पहले काटो, उसमें थोड़ा रोलो, रोने के बाद थोड़ा सा उसको मतलब कि तलो, उसमें तेल भरवा जाता था। अब वो तेल तलने के बाद साला वो वेस्ट हो जाता था, उसको रखो फिर दोबारा से यूज़ करो, तेल को भी बार बार यूज़ करोगे ना तो मतलब कि मज़ा नहीं आता। अब हम थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर जी आधी कटोरी ऑयल, कुकिंग ऑयल, ये कुकिंग ऑयल डल गया, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हो। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे दोबारा से। अगर आपको लग रहा है कि कश्मीरी लाल मिर्च और डाल सकते हो तो आप डाल सकते हो, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, जो कि कलर के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, मज़ेदार। ये फर्स्ट मैरिनेशन है गाइस, और आपको इस मैरिनेशन को कम से कम 3 घंटे रखना है। अब मैं तो रेसिपी बना रहा हूँ, मैं 3 घंटे नहीं वेट करूँगा, मैं फिर भी 1 घंटे के लिए रेस्ट दे रहा हूँ उसको, बेस्ट रिजल्ट के लिए ओवर अ नाइट रखो,
और अगले दिन तैयारी शुरू करो। तो ये समझ लो हमारी 50% बिरयानी पक चुकी है और इतनी सिंपल है कि कोई भी बना सकता है इसको। तो अब एक घंटे बाद मैं आपको मिलता हूँ, इसको देता हूँ रेस्ट और फिर मिलता हूँ फटाफट। जी हाँ, राइस बॉईल करने हैं पर उसका भी तरीका होता है। ये आधा चम्मच हमने इसके अंदर, एक चम्मच हमने डाला देसी घी, और जैसे ही देसी घी हमारा बढ़िया से गर्म हो जाएगा तो हम डाल देंगे भाई इसके अंदर लौंग, और ये फ्लेवर जो तगड़ा देगा ना भाई, सुपर गुड देगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये खड़े मसाले हैं कुछ बढ़िया, जिसकी हमने पोटली बना रखी है बढ़िया सी, और ये पोटली मैं एक बार पहले यूज़ कर चुका हूँ कल रात को, तो मैंने ये वही वाली ले रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर अभी भी फ्लेवर्स हैं। तो ये पोटली जाएगी पानी के अंदर, पर अभी नहीं, अभी ये जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी डाल दो बढ़िया से, और राइस जो है हमने इसके राइस 2 घंटे से भिगो रखे हैं। ये गई पोटली इसके अंदर, ठीक है। अब ये एक बार बॉईल आने दे, बॉईल आते ही इसके अंदर हम अपने सोक्ड राइस डाल देंगे। बढ़िया सा बॉईल आ चुका है और इसके अंदर अब हम डालेंगे जी स्वाद अनुसार नमक। तो ये देखो भाई, ये रहा नमक, दैट्स इट। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी डाल रखा है, तो अभी सारा का सारा राइस डलेगा इसके अंदर जो हमने 2 घंटे से भिगो रखा है, 2 घंटे से। अब हमने करना क्या है, टेक्निक ये है कि इसके 2 बैच निकालने हैं, जब ये 50% कुक हो जाएगा तब, और जब 75% कुक हो जाएगा तब। तो वेट करते हैं जैसे ही ये राइस बॉईल होगा, उसके बाद लेयरिंग करते हैं बढ़िया सी अपनी दम बिरयानी की, मटन मैरिनेट की जो हमने की है। तो ये देख रहे भाई, ये हमारे जो राइस है ये 50% कुक हो चुका है अभी, तो मैं ये 50% जो है उसको निकाल लेता हूँ और इसकी बिछेगी लेयरिंग। ये सब दम में पकेगा और कम से कम 45 मिनट, कम से कम 45 मिनट्स। ये लो जी, ये दैट्स इट। अब इसको जो है 75% को कौन दो, मतलब कि 25% और को कौन दो, उसके बाद वो 25% वाली लेयर लगेगी इसके ऊपर दोबारा से। अब भैया बाकी के चावल जो कि 25% और कुक हो चुके हैं, क्योंकि पूरा पका लोगे ना अगर और लेयरिंग करोगे तो हलवा ही बनेगा फिर, और कुछ नहीं बनेगा, ये याद रखना। अब ये बाकी लगा दो उसके ऊपर, सारे के सारे राइस हम इसके ऊपर लगा देंगे बढ़िया से, और कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, ये हैदराबादी स्टाइल हम बना रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेते हैं क्योंकि अगर बिरयानी की बात हो रही है ना तो भैया इज्जत देनी चाहिए उसको, समझे। और मन्नी की फेवरेट मटन बिरयानी बन रही है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा काजू मे भी आज से फेवरेट हो जाए, आज से फेवरेट होगी भाई, क्यों नहीं होगी। और ये रहा जी हमारा स्मार्ट बरिस्ता, जी हाँ, किंग्स का, जिसकी वजह से मैं बिरयानी बना सका बड़ी ही आसानी से और बहुत जल्दी। तो ये हम ऊपर डालेंगे इसकी एक लेयर बढ़िया सी, और कंजूसी ना करें क्योंकि तलने की टेंशन दूर हो गई है, प्याज काटने की भी टेंशन दूर हो गई है, अब रोना नहीं पड़ेगा प्याज काटते वक्त, और ना ही वो ऑयल की चिंता करने की जरूरत। सबसे बड़ी बात है कि प्याज सस्ता है, इसका रेट सही रहता है, ये बेस्ट चीज़ है इस कंपनी की, ये बेस्ट चीज़ है कि अगर प्याज 100 रुपये किलो भी हुआ ना, आपका जो ये प्राइस जो भी मिल रहा है ये उतने रुपये का ही मिलेगा आपको, सबसे बेस्ट चीज़ है ये। आप डालेंगे जी इसके अंदर हम थोड़ा सा धनिया बढ़िया सा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ बिरयानी बना रहे हो कंजूसी ना करें, तो इसलिए बढ़िया से डालें। ये सारा का सारा धनिया डाल दिया है, अब ये डलेगा जी हमारा पुदीना, जो कि बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है भाई बिरयानी के अंदर, मज़ेदार एकदम। ये ऐसी बिरयानी है भाई, आप कहीं पर भी हो ना इंडिया में या इंडिया के बाहर, तो आप बना सकते हो आराम से। ये है जी हमारा देसी घी बढ़िया सा, सैफ्रॉन की, तो बढ़िया सा सैफ्रॉन डाले, मज़ा आ जाएगा आपको आज। अब हम क्या करेंगे जी, डेट को करेंगे चालू और इसको करेंगे एकदम सिम पे। उससे पहले हम लगाएंगे इसको ढक्कन, मतलब कि पर्दा लगाएंगे इसका, और कैसे लगाएंगे वो देखो। कई लोग क्या करते हैं, आटा लगाते हैं, वेस्टेज हो जाती है, पर हम आटा नहीं लगाएंगे, हम इसको फॉइल पेपर से डंप करेंगे, और उसका तरीका देखो कितना बढ़िया तरीका। चलिए तो भाई साहब, अब लगेगा फॉइल पेपर पे दम, अब आप देखो कि कैसे लगाते हैं। पहले इसकी साइड्स को हम करेंगे गीला, क्योंकि फॉइल पेपर ना चिपकाना है और ये भाप बनाएगा जैसे ही इसके ऊपर चिपक जाएगा। अब ये फॉइल पेपर को भी आपने गीला करना है, ये क्यों कर रहे हैं, ताकि जल्दी से भाप बने और ये इस पर एकदम चिपक जाए और बिल्कुल भी ना खुले। आप देखोगे ना कितने बढ़िया तरीके से हम इसको टाइट एक पूरा वो दे देंगे पर्दा, कि जिससे कि ये खुलेगा नहीं बिल्कुल भी। ये देखो फुल टाइट होगा, जब ये भाप बनेगा ना मन्नी, तो एक पफ बन जाएगा ये पूरा अंदर का, और बाहर नहीं निकलेगा वो। गीला करा, वही प्रोसेस, गीला करना अच्छे से बढ़िया से, और ये दूसरा लगेगा। ये मेन काम है भाई बिरयानी का, क्योंकि पहली बात तो ये बन रही है जी मटन बिरयानी, तो इसीलिए
बढ़िया तरीके से दम लगना चाहिए, मज़ेदार तरीके से। ये ऊपर भी डाला क्योंकि इसके ऊपर भी दोबारा आएगा तो चिपक जाए बहुत बढ़िया तरीके से। ये मेन काम है। इसके बाद 45 मिनट्स के बाद आपको ऐसी बिरयानी मिलेगी जो आपको रेस्टोरेंट में मिलती होगी, या आपको भी आप ये रेसिपी ट्राई करें हमें बताना। और हाँ, ये जो अनियंस है बरिस्ता अनियंस, इसको आप बाय कर सकते हो। मैंने इनका जो अमेजोन का लिंक है वो भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, प्लस इनकी वेबसाइट भी मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो। जल्दी जाके ऑर्डर करो और बिरयानी बनाने की मतलब कि टेंशन दूर करो, क्योंकि उसके लिए मेन काम तो सिर्फ अनियन तलने का होता था, मेनली जो चीज़ यूज़ होती थी, तो वो टेंशन हमारी दूर हो चुकी है। अब गैस चालू होगी और मिलूंगा मैं आपको 45 मिनट्स के बाद। 45 मिनट्स के दम के बाद अब बारी आ रही है जी इसको खोलने की, और अब इसका हम पर्दा उतारेंगे बढ़िया से। भाई साहब सुपर गर्म मज़ेदार, देख रहा खुशबू देखिए, ओहो भाई साहब सुपर बढ़िया हैदराबादी मटन दम बिरयानी जो आपके सामने बनाई है भाई। इतना बढ़िया फ्लेवर आ रहा है भाई, ये देख अब मैं आपको हिला के दिखाता हूँ। सैफ्रॉन वगैरह हर एक चीज़ डाली है इसके अंदर, हर एक चीज़। ये देख मटन के पीस देख रहे हैं, और एकदम मैं कह रहा हूँ पका हुआ मटन है, प्लस मैंने कोई पानी नहीं डाला इसके अंदर। ये देख हड्डी तक छोड़ने को तैयार है, मैंने इसमें कोई पानी का पीस नहीं डाला, पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, और तेरे सामने एकदम फ्लेवरफुल बनी है मज़ेदार। अब इसको मिक्स करते हैं बढ़िया तरीके से और टेस्ट करेंगे आज, और आज मन्नी भी टेस्ट करने वाला जैसे मैंने बताया। बढ़िया से इसको मैं मिक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ भाई कि टेस्ट कैसा है एक्चुअली में इसका। अगर आपको बिरयानी बनानी है या मटन कोरमा या चिकन कोरमा कुछ भी बनाना है, किंग्स का ये स्मार्ट बिरिस्ता लो और इन्जॉय करो, आपकी लाइफ बहुत ईजी बन जाएगी, सीरियसली कह रहा हूँ इसको लेके। और कभी भी आप इसको ट्राई करोगे तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, इसकी वेबसाइट का भी, जो कि आप देख सकते हो कि बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, प्लस इनका अमेज़न का डायरेक्ट लिंक भी दे रहा हूँ ताकि आप ऑर्डर करके डायरेक्ट मंगा लो अपने घर पे। देखा इसका कमाल भाई साहब, 2 मिनट के अंदर आप प्लान कर सकते हो कि आपको बिरयानी बनानी है, कोई अनियन नहीं तलना, कुछ नहीं करना, ना काटना है ना पीटना है। एंड द बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा, ये मन्नी का आज मन्नी खाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट क्या लगा कि अगर अनियन मार्केट में 200 रुपये किलो भी है ना, आपको ये इसी रेट पे मिलेगा जो जिस रेट पे ये लोग बेच रहे हैं आज भी, तो ये एक बेस्ट चीज़ मेरे को अच्छी लगी। ये देख भाई मटन कितना गला हुआ है, कोई पानी का पीस नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। और हाँ मैं हाथ से खा रहा हूँ, पर मेरे घर में चम्मच भी है, पर बिरयानी हाथ से खाते हैं तो इसलिए मैं हाथ से खा रहा हूँ। टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। ऑब्वियसली अगर बनाया है मैंने तो बढ़िया तो हो गई। भाई सुपर गुड, इतने बढ़िया फ्लेवर्स बिरयानी के, हर एक इंग्रेडिएंट अगर बढ़िया बढ़िया डालोगे ना तो आपका माल भी बढ़िया ही बनेगा। कभी भी आप ये यूज़ करें ना तो मुझे बताना कि कैसा लगा। अब एक नेक्स्ट शॉट आने वाला जिसके अंदर मन्नी मटन खाने वाला, वो ज़रूर देखना। और ये मन्नी पाजी हमारे मटन खाते हुए, ये वो सभी लोग देख ले जो बोलते हैं कि मन्नी मटन नहीं खाता। भाई साहब ये कैमरे के पीछे कुछ भी खा सकता है, देख लो। तो नहीं खाता है, अब खा रहा हूं। पर चीज़ बढ़िया है कि नहीं है, तेरे सामने बनाया एकदम मज़ेदार चीज़। ओए होए मन्नी खा चुका है मटन गाइस, बहुत बढ़िया। तो गाइस आप भी ऑर्डर करो और इन्जॉय करो, क्योंकि हम लोग भी इन्जॉय कर रहे हैं अपनी बिरयानी मज़ेदार। किंग्स का स्मार्ट बिरिस्ता, जी हाँ, इनके पास और भी प्रोडक्ट्स हैं, आप जाके इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, और इसका अमेज़न का डायरेक्ट लिंक भी दे रहा हूँ। मैं चला इसे खाने के लिए क्योंकि मुझसे रुका नहीं जा रहा है, मेरे हाथ जा रहे हैं बार बार बिरयानी पे। तो मिलता हूँ आपको जल्दी से एक नई वीडियो के साथ।